विधानसभा में तो कल बिल पारित हो गया राइट टू हेल्थ, लेकिन चिकित्सकों की जो प्रदर्शन है, आंदोलन है, वो अभी भी जारी है। नर्सिंग जो निजी चिकित्सालय है वो बंद है, रेजिडेंट हड़ताल पर है, किस तरह लेंगे, क्योंकि इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी अभी भी लगी हुई है। चिकित्सकों की हमने सारी बातों को माना है, चिकित्सक एक भी नहीं कह सकते हमारी इस बात को नहीं माना। तो चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना, बेवजह जाना, निश्चित रूप से उनको सोचना चाहिए कि जो हमारे जो मांगे की थी, चीफ सेक्रेटरी लेवल से की थी, सीएम साहब से मिली थी, पहली बार किसी एसोसिएशन के डॉक्टर्स को हमने स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी में रखा है, आज तक नहीं रखा। उनकी डिमांड पर आईएमए के दो डॉक्टर हर कमेटी में रखे हमने, जहाँ पर वो सारे जनप्रतिनिधियों के, उसने कहा सरपंच प्रधान जो भी थे, जिला प्रमुखता को भी हमने हटा दिया उसकी मांग पर। फिर उसके बाद इस ट्रैक पे जाना ठीक न्यायोचित नहीं है। उन्होंने जो कहा वो माना, सरकार ने वही किया जो डॉक्टर्स ने कहा। लेकिन जिस तरह के हालात अब बने हुए, क्योंकि कल पारित भी हो गया बावजूद इसके अभी तक हठ जनता जारी है। नहीं, कानून बन गया तो सबको मानना पड़ेगा, कानून की कोई अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए कानून बन गया, विधानसभा ने पारित कर दिया, सर्वसम्मति से पारित किया है। इतिहास में पहला कानून है जिसको सर्वसम्मति पक्ष और विपक्ष ने, सेलेक्ट कमेटी का जो प्रतिवेदन था उसको एक मत से स्वीकार किया। जब सारी विधानसभा एक है, सारा प्रदेश एक है, फिर डॉक्टर्स को उस पर विचार करना चाहिए कि हमने जो मांगे रखी वो कौन सी रह गई, हमें बताएं कौन सी रह गई, मांगी नहीं और फिर आप स्ट्राइक करो, उसका औचित्य क्या है। स्ट्राइक को किस तरह रोकेंगे आप, क्योंकि इससे स्ट्राइक को हम प्रभावित उनको पहले अपील किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की, हम भी अपील कर रहे हैं, आप काम पर लौटो, अपना काम शुरू करो। और हम किसी, ना तो हम किसी डॉक्टर को परेशान करना चाहते हैं, ना किसी चिकित्सालय को, हम प्रदेश की जनता से जो वायदा किया मुख्यमंत्री जी ने, हम उसको पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जनता जब परेशान हो रही है डॉक्टरों की हड़ताल के कारण, यदि नहीं लौटते, लंबा खींचता है, तो फिर क्या रहेगा सरकार? नहीं, निश्चित रूप से सरकार उस पर विचार करेगी आगे क्या करना है। ये तो उनसे अपील किए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, काम पर लौटे, हम भी अपील कर रहे हैं आपके माध्यम से, वो काम पर लौटे, अगर नहीं लौटेंगे तो सरकार जो करना है जो करेंगे। संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं? कोई गुंजाइश नहीं संशोधन की, सर्वसम्मति से जो एक्ट हुआ, सेलेक्ट कमेटी ने जिसको पास किया हो, विधानसभा ने एजीटी जिसको पास किया हो, उसमें कहीं कोई गुंजाइश, किसी भी दल के सदस्य ने उस बिल का विरोध नहीं किया है, सर्वसम्मत है, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सरकारी जो रेजिडेंट्स है वो भी हड़ताल पर है, तो उनको लेकर कुछ भी जो आपके अंडर में आते हैं? नहीं, उनको भी कहा है, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा है, उनसे बात करके उनको काम पर लौटने की कहे।